इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इंडिया के सामने ऑक्सीजन के संकट में जब सांसों की डोर टूट रही है तो कई लोग ऐसे हैं जो सांसों की संजीवनी के लिए आगे आए हैं। मुंबई में ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए कई संस्थाओं ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। ये संस्थाएं लोगों को फ्री में ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रही हैं, जिससे मरीजों की जिंदगी बचाने में एक बड़ी मदद मिल रही है। मुझे एड्रेस बता दीजिए तो अरे मुंबई में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कई ऐसी समाज सेवी संगठनाएं हैं मुंबई में जो लोगों को फ्री में ऑक्सीजन और एम्बुलेंस सर्विसेज दे रही हैं। यहाँ पर दो एम्बुलेंस खड़ी हैं सैफी एम्बुलेंस की, जो मरीजों को उनके बिल्डिंगों से अस्पताल तक ले जाने का काम करती हैं और अगर अस्पताल में बेड नहीं मिलते तो इसी एम्बुलेंस के अंदर उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है और ऑक्सीजन देने का काम ये सैफी एम्बुलेंस जो संस्था है उसका जो हेडक्वार्टर है भिंडी बाजार में यहाँ पर किया जाता है। ये हेडक्वार्टर में लगातार फोन की घंटियां बजते रहती हैं और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं पूरी लिस्ट लेकर यहाँ पर बैठे हैं। ये सभी उन कोविड मरीजों के आधार कार्ड और पैन कार्ड और एड्रेसेस हैं जिनके घर में कोई ना कोई कोविड का मरीज एडमिट है और उन्हें ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो दी जाती है, मुहैया करवाई जाती है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि तुरंत ऑक्सीजन बेड अस्पताल में मुहैया नहीं हो पाते और ऐसे में इस कंट्रोल रूम भिंडी बाजार सैफी एम्बुलेंस में ये ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाती है। सर आप बताएं कि जो कंट्रोल रूम है ये किस तरह से ऑपरेट करता है और कैसे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं 2020 से? यानी एम्बुलेंस सर्विसेज है, कोविड पेशेंट को भी ले जाते हैं, नॉन कोविड पेशेंट को भी शिफ्ट करते हैं, डेड बॉडीज को अंतिम क्रिया के लिए शमशान ले जाना हो यहाँ पे नो कास्ट एंड डिस्ट्रिक्शन, इबादुल्ला के लिए भी, मुस्लिम्स के लिए भी ये हम काम करते हैं। हमारे मौलाना का भी यही कहना है, बोरा कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन है और ऑक्सीजन सिलेंडर तो पहले से हम सिक बेड की सर्विसेज चालू रखी थी मगर ये जब कोविड का ये सिचुएशन अराइज हुआ और ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ तो इसकी तादाद काफी बढ़ा दी गई ऑक्सीजन की बॉर्डर। ख्याल नहीं आया था कि ऑक्सीजन इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि लोग उसके लिए तरसते रहेंगे। वो हिसाब से एक जो अमीन भाई ने हमने जो इसने मिलकर जो आइडिया लगाया तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और लोगों को इतनी सहूलत हो गई कि आज बहुत सो को समझो ना कि नई जिंदगी मिल गई। बिफोर गोइंग ऑक्सीजन जिसका लेवल हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाता क्योंकि ऑक्सीजन बेड की बहुत किल्लत है। हम कई अस्पतालों में गए हैं, इंडिया टीवी ने खुद सर्च किया है, KM हॉस्पिटल हो या फिर साइन हॉस्पिटल हो, प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं ऑक्सीजन बेड तुरंत मिल नहीं पाता। वार्ड के वॉर रूम से भी ऑक्सीजन बेड की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऐसे सिलेंडर जो प्राणवायु जिसमें भरी हुई है, ऑक्सीजन जिसमें भरी हुई है, ऐसे सिलेंडर लोगों के घरों तक पहुंचाना वो भी सिर्फ 400 रुपये में, निश्चित तौर पर ये जान बचाने का ये पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो सैफी एम्बुलेंस और नेस ने लिया हुआ है और इनकी जो शाखाएं हैं वो इसी तरह से और बढ़ती रहें ये हमारी इच्छा है। कैमरामैन प्रथमेश के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।